जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म संस्थान से आप सभी का बहुत 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 ज्यादा स्वागत करती हूँ। और आज का एक नया वीडियो के साथ मैं आई हूँ आपके पास। 4 तारीख है, 4 जनवरी का महीना है और कल 3 तारीख थी, तो जिनका 3 तारीख को बर्थडे था उनको बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे और हैप्पी बिलेटेड मैरिज एनिवर्सरी। और जिनका 4 तारीख को 4 जनवरी 2023 को जिनका हैप्पी बर्थडे है, आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और जिनकी आज यानी कि 4 तारीख को जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप सभी को भी बहुत 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 दिल से कामना है, शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी शादी अच्छी रहे और आपका बर्थडे बहुत अच्छा रहे, आपको आपकी जीवन की सारी खुशियां मिले। 4 नंबर राहु को आता है और राहु देव जो होते हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक तो होते ही हैं, देखिए, क्योंकि राहु जिसके साथ भी मिल जाए तो गड़बड़ कर देता है। तो 4 नंबर वालों के साथ जिंदगी में हमेशा राहु के चक्कर में वो बस घूम ही जाते हैं। 4 नंबर राहु देव का नंबर होता है, तो आपकी लाइफ में राहु की प्रॉपर्टीज काफी होती हैं। और अगर आप राहु और राहु से रिलेटेड चीजों को एडमायर करते हैं लाइफ में तो आपको उसके से बेनिफिट होता है। ठीक है, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूं आपको मैं बताऊंगी कि पानी से कैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करें और पानी से कैसे आप 2 घूंट पानी जो आप नॉर्मल लाइफ में पीते हैं, गट सुबह उठ के लोग पानी पीते हैं, रात को भी पानी पीते हैं, दिन में कई बार लोग पानी पीते हैं। पानी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है जो कि आपको पता है पंच तत्वों में से एक आता है वाटर एलिमेंट, जिसको आप पानी बोलते हैं। हमारी बॉडी कहते हैं कि 70-80% सिर्फ पानी ही पानी है हमारी बॉडी में। और हमारा जो भी लोग जब मर जाते हैं तो उनका शरीर भी पूरा पानी बन जाता है और शरीर के सारे ऑर्गन्स पानी की तरह बहते बहते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक हमारी बॉडी का एलिमेंट है। प्रकृति में जो हमारा सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इसमें से अधिकतर जो चीजें हैं वो वाटर एलिमेंट्स में आते हैं। जैसे कि 3 राशियां भी पानी से संबंधित है, आपको पता है कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि पानी से संबंधित रखती है। वहीं चंद्रमा शुक्र का संबंध भी पानी से है, भगवान शंकर का संबंध भी पानी से है क्योंकि उनकी जटाओं से गंगा जी बरसती हैं। पानी बहुत ही कीमती, बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं जो लोग नॉर्मल पानी पीते रहते हैं उनकी बॉडी ड्राई नहीं होती है और बॉडी में नई जान आती है, नई जान आती है। तो इसी पानी से संबंधित मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूं जो न कि सिर्फ आपकी मनोकामना को पूरा करता है बल्कि आपको 2 मिनट में आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। और किसी को दीवाना बना देने के लिए भी पानी काफी वो है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, आपको पूर्व जन्म में ले जाती हूँ, आपके पूर्व जन्म से आपकी यादों को, जो भी आपकी परेशानियां हैं पूर्व जन्म में, आपके माता पिता कौन थे, आप कौन थे, लड़का था, लड़की थे, कोई जानवर थे या आप क्या थे, वो सब मैं आपको पास्ट लाइफ से बताती हूँ। तो वहीं इस जन्म में आपकी जो जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उसका पूर्व जन्म से कैसे रिलेट है उससे मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत अच्छी साइकिक हूँ, संसार भर से मुझे ISO 9001 मिला हुआ है मेरी सर्विसेज से, भारत सरकार से भी मुझे जो है इसके लिए ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है और मेरी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एफिलेटेड है। नाम है डॉक्टर संध्या सक्सेना, एक आचार्य ज्योतिष। तो आप जो नॉर्मल पानी पीते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, यदि आपको किसी खास इच्छा को पूरा करना है और यदि कोई इंसान आपके जीवन में आपका एनिमी बन गया है, आपका शत्रु बन गया है और आप उस इंसान को यदि अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं तो फर्स्ट पानी का कैसे यूज करेंगे मैं आपको सारे पानी के यूज बताऊंगी। तो पहले हम लेते हैं एनिमी को। यदि आपके जीवन में कोई इंसान जो आपको परेशानी करता है और वो इंसान अगर आपके जीवन में आ गया है कलेश के रूप में, तो आपको हमेशा से करना क्या है कि इतना सा पानी लेना है, साफ पानी, और उसके अंदर सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है, पाउडर ही डालना है, नहीं है तो फिर आप सिर्फ 3 काली मिर्च के दाने डाल सकते हैं, गोल गोल छोटे छोटे आते हैं, आपको आपकी मम्मी उसमें भी डालती होंगी पुलाव वगैरह में, आपकी वाइफ बनाती है, खुद आप पुलाव में डालते हैं, उसको डालना है। और आपको उस पानी को इस तरह से हाथ में लेना होगा और हाथ में लेकर आपको भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए, भगवान भैरव
शत्रुओं का उच्चाटन करते हैं, या माता बगलामुखी का ध्यान करना है क्योंकि वो भी शत्रुओं का उच्चाटन करती है, और बोलना है कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी कृपा से मेरे सारे शत्रु मुझसे दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, ऐसा 3 बार बोलते हुए। और यदि किसी खास इंसान ने आपको परेशान किया है तो उस खास इंसान का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि मुझे जो है फला फला व्यक्ति ने परेशान कर रखा है, उसका नाम ले लिया, और उसके बाद आपको उसको जो है 3 बार उसके नाम को लेके चंटिंग करते हुए आप फूक मारेंगे और उस पानी को पी जाइए। ऐसा आपको दिन में 5 बार कर लो। आप पानी तो पीते ही रहते हो, काली मिर्च को नहीं पीना है, सिर्फ पानी को पीना है। काली मिर्च तो आपको टॉयलेट में फ्लश करनी है क्योंकि आप अपने शत्रुओं को आपसे दूर करना चाहते हैं, तो काली पानी पी लोगे, काली मिर्च उठा के क्या करोगे, टॉयलेट में फ्लश कर दोगे। इस उपाय को आपको दिन में 5 बार करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 दिन कर लीजिए, 3 दिन में आपको राहत मिल जाएगी। उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2 में इसी पानी से, यदि आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके वशीभूत हो जाए, आपसे बात करे, आपकी मनो कोई दूर चला गया है वापस आ जाए, तो वो कैसा करेंगे वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मनोकामना पूर्ति कर देते हैं। यही पानी अगर आपकी कोई खास इच्छा है, आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही, तो शुक्र देव एक ऐसे एलिमेंट है जो शुक्र का देवता होते हैं, वो शुक्राचार्य की बात हो रही है, वो क्या करते हैं हमारे जीवन में नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, लव लाइफ, लग्जरीज, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ हमें देते हैं। और अगर आपका शुक्र खराब है तो आप इन सब चीजों से हमेशा विरक्त रहेंगे, दूर रहेंगे, ये सारी चीजों आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, शुक्र देव की जो एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इलायची। आपको क्या करना है, इलायची के, हरी इलायची के पत्ते को खोल देना है और उसके जो दाने होंगे आप उसको पानी में डाल देंगे, इतना ही पानी लेना है। अब आपको जैसे कि घर की इच्छा है तो आप बोलेंगे कि हे शुक्रदेव, आपकी कृपा से मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा घर है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, या मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, या मैं देश विदेश जा रहा हूं, मैं कनाडा जा रहा हूं, जो आपको बोलना है, जिससे से आपको बोलना है, आपको वही उसके ऊपर बोलना है। आप 3 बार आप शुक्रदेव का आह्वान करते हुए कि हे शुक्रदेव, आपका धन्यवाद, 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 आपकी कृपा से मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, 3 बार बोलेंगे, या मेरे पास घर है, घर है, 3 बार बोलेंगे, या मेरे पास विदेश की यात्रा है, या मेरा फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया है, जो भी आपको चाहिए है, जो चीज चाहिए है, नौकरी चाहिए है, पैसा चाहिए है, कुछ भी चाहिए है, तो आपको उस पर बोलना है। अगर आप किसी और के लिए बोलना चाहते कि तो आप बोलेंगे शुक्रदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उमेश के पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, किसी और के लिए भी मांग सकते हैं। फिर आपको पानी पे फूक मार देना है, इस पानी को भी आप पी लेंगे, इसको भी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम के हिसाब से करेंगे। वो 5 टाइम कौन से होंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये हो गया, पहला था किसी एनिमी को दूर करना, और दूसरा है आपकी इच्छा को पूरा करना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इलायची को चबा के खा जाना है, क्योंकि हम इच्छा को पूरा करना चाहते हैं इसलिए हम इलायची के दानों को चबा के खा जाएंगे। लेकिन हमें वहां पे क्या करना था, हमें उस इंसान को अपने से दूर करना था, इसलिए मैंने कहा था कि टॉयलेट में जाके इसको फ्लश करोगे, किसको, काली मिर्च को। तीसरे नंबर पे वेरी मोस्ट जो आता है वो आता है कि जो आपसे हमेशा के लिए दूर चला गया है और आप उसको बुलाना चाहते हैं, सात संबंध और दूर चला गया। लड़के लड़कियां मुझे बताते हैं, लोग भी बताते हैं, बड़े लोग भी बताते हैं, छोटे लोग भी बताते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स वाले बहुत आते हैं, लव मैरिज वाले बहुत आते हैं, अफेयर्स वाले भी आते हैं, जिनकी पत्नियां तलाक ले रही हैं वो भी आते हैं, जिनके पति तलाक ले रहे हैं वो भी आते हैं, जिनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की मैरिज होने वाली है और उसको भूल चुका है वो भी आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं मेरे पास। तो लास्ट जो उपाय है पानी का, वो उस बताना है मुझे कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को जो आपसे 100 कोस दूर चला गया है उसको वापस कैसे बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और पानी का उपाय है, और ये है कि अगर आप पानी से सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी, मतलब मैं चलूं तो मेरा काम बने, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो और मेरा नाम बढ़े, शायद आप मार्केटिंग की लाइन में हैं और आपको शायद मोबाइल बेचना है और आपके पास दुकान में मोबाइल नहीं बिक रहा है, चूड़ियां बेच रहे तो चूड़ी नहीं बिक रही है क्योंकि आपके पास ग्राहक नहीं, क्लाइंट नहीं है, या आप चाहते हैं कि भाई मैं जाऊं तो सभी लड़कियां, सभी लड़के मुझे देखें, मुझसे प्यार करें, या मेरे मोहल्ले के लोग मुझे लाइक करें, या ये वो, सो अब कुछ भी हो सकता है, अब आपकी लाइफ है, हो सकता है आप सभी को अपने करीब लाना चाहते हैं, सभी लोग मुझसे बात करें, मुझे पसंद करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्या करना है, आपको उतना ही वाटर लेना है जितना मैंने आपको बताया है,
इस प्रयोग को भी दिन में 5 बार करेंगे। टाइम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, मैंने फिर से बताया है। लेकिन क्या करना है, आपको दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है, उस दालचीनी के टुकड़े को आप पानी में डाल देंगे और आपको सिर्फ 3 बार बोलना है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जहां जहां जाती हूँ लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, गणेश जी की जय, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे बहुत 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 पसंद करते हैं, गणेश जी की जय, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, गणेश जी की जय। और याद रखना है, जब भी आप इन सेंटेंसेस को बोलते हैं, चाहे आप किसी को दूर कर रहे हो, चाहे बुला रहे हो, पास कर रहे हो, एक सेंटेंस के बाद पानी में फूंक जरूर मारनी है। उसके बाद जब आपकी ये 3 बार हो जाएगा तो उस पानी को भी आप पी जाओगे। अब ये भी आपको 5 टाइम करना है, कैसे करना है वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले लास्ट, यदि कोई इंसान आपकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया है और वो मना कर चुका है कि मैं वापस नहीं आने वाला, तो क्या करोगे? अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कोई इंसान जो दूर चला गया है उसको पास कैसे बुलाएंगे, पानी के द्वारा, मैं उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले आदित्य कपूर चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, नेहा खन्ना चाहती हैं कि उनकी भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और महेश कुमार जो है बैंगलोर से, वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ जो पेपर दे रही है उसमें क्लियर हो जाए, और एक विद्यार्थी जी हैं महेश विद्यार्थी, वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो कोई नेट मेडिकल का पेपर दे रही है उसमें सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा 2 लोगों का और ख्वाहिश है जिनके नाम नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि बोल देना कि उनके बच्चे जो है हाई स्कूल और 10th के पेपर पे पास हो जाए। तो ये मैं सबके लिए कर देती हूँ कि भगवान श्री कृतिया से प्रार्थना है कि वो सभी बच्चे जो हाई स्कूल का 10th का पेपर देने जा रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं और मुझे फॉलो भी करते हैं, तो आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका वो कॉम्पिटिशन का एग्जाम निकल जाए, चाहे आप सीटेट देने जा रहे हो, चाहे आप गेट देने जा रहे हो, चाहे आप नेट देने जा रहे हो, चाहे आप कोई और एजुकेशन का देने जा रहे हो, चाहे आप SSC का दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो जो मुझे नहीं पता, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, चाहे आर्मी का दे रहे हो, नेवी का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो। आर्मी से याद आया, बहुत सारे आर्मी वाले मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं आर्मी के लड़कों के, एयरफोर्स से लड़कों के, कि हम आपका प्रोग्राम देखते हैं और हम बताते हैं कि दीदी का प्रोग्राम देखा करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ में विश्वास पैदा करने के लिए। और देश विदेश से, पाकिस्तान से भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम आपसे जुड़ने का, किसी और से जुड़ने का मन नहीं करता है क्योंकि आपके वीडियोस में बहुत स्ट्रेंथ है। मैं सच में कहती हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका दिल सच्चा हो। यदि आप सच्चे हैं तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने साथ झूठ मत बोलिए तो आपका सब कुछ काम होगा, और अगर चीजें बिखर भी गई है ना तो चीजों को ठीक किया जा सकता है। टैक्ट लगता है, दिमाग लगता है, 21 दिन में यूनिवर्स चेंज होती है आपके लिए, अपने आप को चेंज करती है, आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करेगी, लेकिन 21 दिन में आपकी कामना जरूर पूरी होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, हाथ की लकीरें भी 3 से 6 महीने के अंदर बदलती है। अगर आपको लगता है किसने बोल दिया कि यहाँ पे कट है, मर जाओगे या कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी बात को बिल्कुल मत मानो, क्योंकि 3 से 6 महीने के अंदर हाथ की लकीरें भी बदलती हैं। अगर आपका कर्म अच्छा हो, अगर आपकी सोच अच्छी हो, अगर आप पॉजिटिव हो, और वो सब बदलने के तरीके ही तो मैं सिखाती हूँ। तो कैसे आप अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 8126476399 पे, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी विशेष कैसे पूरी हो सकती है, सच में पूरी होती है। तो मेरे ये जिन लोग हैं नाम बताए हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, आप सभी की इच्छाएं पूरी हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरे 3 चैनल हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, महालक्ष्मी ज्योतिष भाई संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना मेरा 2रा चैनल है, साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना मेरा 3रा चैनल है। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और आपकी बड़ी कृपा है, इंस्टाग्राम पे 5000 से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं और माँ लक्ष्मी ज्योतिष पे मेरे पास 662,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझ पर विश्वास रखते हैं। तो आप सभी की जो भी मनोकामना है इसे ईश्वर पूरा करे, खुश प्यार मेरे परिवार पे, आप पे, आपके परिवार पे बहुत 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 कृपा करे ईश्वर, मैं ऐसी कामना करती हूँ। हमेशा खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, और आपकी सभी इच्छा पूरी हो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो आज का जो लास्ट था कि अगर किसी इंसान को पुकारना है, बुलाना है,
अच्छा वो जो दालचीनी मैंने बताई थी, उस दालचीनी में जो आपको बताया था पानी पी ले, तो फिर लोग पूछेंगे दालचीनी क्या करना है, उस दालचीनी को आप रख सकते हैं अपने पास नेक्स्ट डे। फिर आप जब इस प्रोग्राम को जितनी बार भी करते हो उसी एक ही दालचीनी पे आपको बोलते रहना है, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उस दालचीनी के स्टिक को रैप करके एक नीले रंग पे, उस पे नीला चमकीला जैसे फिरोजी कलर, उसमें आप रैप करके उसको रख लीजिएगा या किसी कागज में बांध कर रख लीजिएगा जो कि फिरोजी रंग का हो। तो ये तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं कोई इंसान जो सात समुंदर पार बैठा है उसको कैसे बुलाएंगे इसी पानी से। तो आपको सिंपल सा टैक्ट है, यदि कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता था, आपको छोड़ के चला गया है और वो वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, तो यही पानी लेंगे और इस पानी में आपको उस व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर है, जैसे रमेश सिंह तो हो गए 5 अक्षर, रमेश सिंह 5 हो गए, उमा गुप्ता तो ये भी हो गए 5, उमा गुप्ता, तो उतनी ही लौंग लेनी है, उस लौंग को आपको पानी में डालना है और बोलना है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, उमा मेरे साथ है, मुझे बहुत प्यार करती है और वो मुझे रोज मुझसे बात करती है, इसी तरह से मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, उमेश गुप्ता मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ बहुत खुश है, गणेश जी की जय। फूंक मारेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फूंक मारेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर फूंक मारेंगे, 3 बार ही करना है। उस पानी को आपको पी जाना है सुबह, इसको भी आप 5 टाइम करेंगे। आप देखिएगा, चाहे आप विश मांग रहे हो, चाहे आप अपने बंदे को आपसे दूर कर रहे हो, या आप कोई सामान मांग रहे हो, या आप कोई इच्छा बोल रहे हो, चाहे आप अपनी खूबसूरती मांग रहे हो, सब काम मिलता है। इलायची वाले पे आप खूबसूरती मांग सकते हैं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, एज इट जो भी आपको बोलना है आप उसको बोल सकते हो, राइट। तो जब आप उस पानी को पी जाओगे तो अब आप पूछोगे लौंग का क्या, तो उसी लौंग को दोबारा से आप जब सेकंड टाइम डालोगे तो सेम लौंग पे करोगे, थर्ड टाइम भी सेम लौंग पे करोगे, फोर्थ टाइम भी सेम लौंग पे करोगे, लेकिन काली मिर्च को ही आपको हर टाइम पे फ्लश करना है, क्योंकि आपको अपना शत्रु आपसे दूर करना है, सिर्फ काली मिर्च को हर बार चेंज करना है, लेकिन बाकी किसी भी चीज में आप जो है इलायची तो आप खा जाओगे, इलायची भी आप बार बार ले सकते हैं, लेकिन दालचीनी एक ही यूज कर लेना बार बार, और ये जो है लौंग ये भी जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आ जाता है आप इसको ऐसे ही करते रहेंगे। अब बात ये आती है कि माता कौन कौन से टाइम पे हम इसे कर सकते हैं, तो वो है आप सुबह अर्ली मॉर्निंग बिस्तर से उठने के टाइम पे आपको क्या करना है, उठने के बाद तुरंत जो पानी पीते हैं आप उसमें पी के करिएगा 1 नहा धोकर। अगर आप पूजा करते हैं तो एक टाइम होगा आपका 10:15 पे, अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो आप घर से बना के ले जाओ और समय फूंक मार के पानी पी जाओ। 2 अगर आप उस समय नहीं कर सकते तो स्किप कर देना, तब आप इसको दिन में 3 बार करेंगे। एग्जिट दोपहर में 12 से 1 बजे या 2 बजे के बीच करना होगा, शाम को करना होगा, रात में बिस्तर पे जाते समय, यानी कि बिस्तर पे जाते समय बिस्तर पे आते समय, 2 टाइम तो आपका वही हो गया, और 12 बजे से 6 बजे के बीच में जो 1 टाइम और हो आपका हो गया 3 टाइम, 1 आपका हो गया लगभग दोपहर में, 1 आपका शाम को 5 बजे, क्योंकि ये 5 ही हमारे मुहूर्त बनते हैं, कहते ना 5 टाइम की नमाज, इसी तरह से 5 बार कर सको तो कर लेना। अगर आपके पास नहीं व्यवस्था होती तो छोटी सी डिब्बी बना लो उसमें रखना, और हाँ अगर ये आपका कांच का बॉटल होगा, कांच की शीशी होगी, कांच की डिब्बी होगी या कांच का ग्लास होगा तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि कांच क्या है, कांच होता है शुक्र, कांच क्या होता है शुक्र। अच्छा बता देती हूँ, कांच शुक्र होता है, स्टील केतु होता है और लोहा शनिदेव होते हैं, और क्या रह गया, चीनी मिट्टी का बर्तन भी कुछ चंद्रमा होता है क्योंकि व्हाइट होता है, और वैसे वो भी शनिदेव में ही आते हैं, तो डिपेंड करता है आप क्या पी रहे हो। जब आप किसी के घर में स्टील के बर्तन गिफ्ट कर आते हो तो आप उसे केतु गिफ्ट करके आती हो, और जब कोई आप किसी को लोहे का कोई सामान गिफ्ट कर देते हो जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या कोई भी लोहे का सामान है तो आप उसको जाके शनिदेव गिफ्ट कराती हो। तो
इस तरीके से आपको पास टाइम करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो 8126476399 व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री में कुंडली रीडिंग करानी हो, जनवरी फरवरी में फ्री सर्विस है, दिसंबर में फ्री थी, तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, 3 चैनल है, उस पर मेरे पीछे पीछे आ जाइएगा। और फिर से बोलूंगी, मायूस नहीं होते हैं। अगर मैंने आपको बताया है कुंडली में कि आपके 4 से 6 ग्रह खराब है, तो देखो मैं आपको सही बता रही हूँ, किसी भी पंडित के पास चले जाओ, अगर आप उसको बोलोगे कि शुक्र भी खराब है, पितृ दोष भी है, बृहस्पति भी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, इन ग्रहों का चार्जेस काफी होता है, क्योंकि एक शुक्र शुक्र के ही जाप जो है, हर किसी भी ग्रह का जो जाप होता है वो 4 गुना होता है। जब आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो जैसे किसी ग्रह के जो जाप है 18,000 है, और उसने कहा जी मैं तो 3-4 हजार रुपए में कर दूंगा, तो वो सिर्फ 18,000 जाप ही कर रहा है आपके लिए 4,000 में। अगर आप उसको बोलोगे कि जी इसके 4 गुना करने हैं, क्योंकि कलयुग में 4 गुना जाप लगते हैं, हमेशा याद रखना, कलयुग में किसी भी चीज के 4 गुना जाप लगते हैं, याद रखना। अगर आप किसी चीज को 4 गुना नहीं करोगे तो कलयुग में वो काम फेल। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन कलयुग में कहा गया है कि कोई भी काम को अगर 4 बार करोगे तो 100% फल देती है। इसीलिए हमारी संस्था सूर्य के 4 गुना जाप कराएगी। अगर सूर्य के मान के चलते हैं 7,000 जाप होते हैं, तो हम आपके 28,000 जाप कराएंगे। उसके बाद फिर इसका दशांश हवन होता है, मार्जन होता है, तर्पण होता है, दान होता है। तो अगर आप किसी से ये काम सर्विस कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके कितने जाप कर रहे हैं। आप उसे संकल्प में बुलवा लेना कि भैया मुझे पता है कि इसके, अगर वो कहता है जी मैं आपसे 4,000-5,000 ले रहा हूं, मैं 18,000 जाप करूंगा, तो उसको कहना ना 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 ना, मुझे 4 गुना जाप कराने हैं, वरना आपके कराने का कोई फायदा नहीं है। आप 4 गुना जाप करवाओगे, उसका तर्पण होगा, मार्जन होगा, उसका हवन होगा, उसका दान होगा, उस हिसाब से बात कीजिएगा। वरना आप किसी ग्रह की कितनी पूजा करा लो सब बेकार है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि जी हमने तो शुक्र का जाप करवा लिया पर फायदा नहीं हुआ, वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जाप तो करवाए हैं लेकिन ढंग से नहीं कराए हैं, करने वाले ने ढंग से नहीं किए, उसने एक संख्या में जाप किया। हमेशा 4 संख्या में जाप होता है, ये कलयुग का विधान है। इसी तरीके से यदि आप कोई एक भी प्रयोग करते हैं और आपका वो प्रयोग उस समय विफल होता है, आप उसी प्रयोग को 4 बार कर लो, वो प्रयोग पक्का काम करेगा, क्योंकि कलयुग में कहा गया है किसी भी काम को 4 बार करोगे तो 110% रिजल्ट आएगा। ये ज्ञान तो मैं ही दे सकती हूँ, इससे तो मैं कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर मैंने किसी को बताया है कि अपने ग्रह की शांति कराओ, तो जिससे भी आप ग्रह की शांति कराते हैं प्लीज उससे बात कर लेना कि ग्रह शांति के लिए मंत्रों को 4 गुना संख्या में जाप करना है, तर्पण करना है, मार्जन करना है, हवन करना है, दान भी करना है, उसी हिसाब से आप उसको पेमेंट दीजिएगा। और अगर वो कहता है कि नहीं जो मैं तो 2-3 हजार में कर दूंगा, तो सिर्फ मान के चलो कि वो आपके 100, 200, 500, 1000, 1100 ही मंत्रों का जाप करेगा और उसको डायन कर देगा। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। और कुछ समझ में ना आए, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन अपने ग्रहों की शांति करानी है, तो उसका शॉर्ट टर्म रास्ता क्या होता है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत ही खूबसूरत हो, शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा।